60,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए एवं निदेशकों ने निम्न प्रकार अंशों का आवंटन किया। अ 40,000 अंशों के आवेदकों को पूर्ण भुगतान, ब 15,000 अंशों के आवेदकों को 8,000 अंश आवंटित हुए, स 5,000 अंशों के आवेदकों को 2,000 अंशों का आवंटन हुआ, अतिरिक्त राशि वापस कर दी गई, आवंटन पर देय सभी राशियां प्राप्त कर ली गई। यथाविधि प्रथम मांग की गई और 100 अंशों पर देय मांग को छोड़कर राशि प्राप्त कर ली गई। कंपनी के इन व्यवहारों को रोजनामचा एवं रोकड़ बही में लिखें और कंपनी का तुलन पत्र तैयार कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि प्रो रोटा अलॉटमेंट है, अनुपातिक आवंटन किया गया है। यहाँ पर हमने शेयर इश्यू किया है 50,000, लेकिन वहां हमको आवेदन जो प्राप्त हुए हैं वो 60,000 शेयर्स के लिए प्राप्त हुए हैं। तो 50-60 यानी 10,000 शेयर्स के जो डिफरेंस आ रहे हैं और उनपे जो अमाउंट रिसीव हो रही है उसको हम किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, ये शो करने के लिए सबसे पहले हम एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे। इस एनालिसिस टेबल में हम सबसे पहले इश्यूड शेयर का कॉलम रखेंगे, फिर एप्लीकेशन रिसीव, अलॉटेड शेयर का कॉलम रखेंगे जिसको दो भागों में बांटेंगे, एक अप्लाइड शेयर और दूसरा अलॉटेड शेयर। एप्लीकेशन मनी जो 3 रुपीज है उसमें उसको हम दो भागों में बांट देंगे, एक रिसीव अमाउंट और दूसरी ड्यू अमाउंट। नेक्स्ट कॉलम एक्सेस अमाउंट का रहेगा और उसके बाद का कॉलम एडजस्टमेंट के लिए रहेगा, यानी जो डिफरेंस की अमाउंट आती है उसको हमको कहाँ एडजस्ट करना है वो हमको इस कॉलम में शो करना रहेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इशूड शेयर जो है वो 50,000 है, तो यहाँ पर हम 50,000 लिख देंगे। अप्लाइड जो शेयर है जिसके लिए एप्लीकेशन मिले है वो 60,000 है, तो सेकेंड कॉलम अप्लाइड शेयर का ये 60,000 हो जाएगा। उसके बाद हम प्रश्न में देख रहे हैं कि किस प्रकार आवंटन किया गया है, तो यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ सबसे पहले अ पॉइंट दिया गया है कि 40,000 अंशों के आवेदकों को पूर्ण, यानी पहले जो 40,000 एप्लीकेशन आए उनको पूरा का पूरा 40,000 अलॉट किया गया। तो अप्लाइड शेयर में भी 40,000 आएगा और अलॉटेड शेयर में भी 40,000 आएगा। उसके बाद सेकेंड यहाँ पर 50,000 के आवेदकों को 8,000 अलॉट किया गया, तो अप्लाइड में आएगा 50,000 और अलॉटेड में आ जाएगा 8,000। उसके बाद कहा गया है सब पॉइंट में कि अप्लाइड जो 5,000 शेयर्स थे उनमें से 2,000 शेयर होल्डर्स को ही शेयर अलॉट किए गए, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 50,000 शेयर ही थे। अब हमको इस पे एप्लीकेशन की मनी लिखनी है, तो जितने भी शेयर के लिए एप्लीकेशन आया सब में अमाउंट जो है वो रिसीव होगी ही होगी। तो सबसे पहले 40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया तो 40,000 × 3 मतलब रिसीव अमाउंट हो गई 1,20,000। उसके बाद 15,000 के लिए एप्लीकेशन आए तो एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज मिली, यानी कि 45,000 रिसीव हुए। उसके बाद 5,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए तो 3 रुपीज के हिसाब से 15,000 मिला। लेकिन ड्यू में हम उससे एंट्री करेंगे जितना हमने वास्तव में अलॉट किया था, यानी कि अलॉटेड शेयर जब 40,000 था तो 40,000 × 3 1,20,000। सेकेंड स्टेप में अलॉटेड शेयर 8,000 है तो 8,000 × 3 24,000। थर्ड स्टेप में अलॉटेड शेयर 2,000 है तो 2,000 × 3 यानी कि 6,000। अब हमको एक्सेस अमाउंट निकालना है, यानी कि रिसीव और ड्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो हमको यहाँ पर देखना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि 1,20,000 रिसीव है और 1,20,000 ड्यू है, तो यहाँ पर एक्सेस कुछ भी नहीं बच रहा है। सेकेंड हम देख रहे हैं कि रिसीव 45,000 है जबकि ड्यू 24,000 है, तो यहाँ पर 21,000 की जो अमाउंट है वो एक्सेस आ रही है जिसको हम एक्सेस अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। थर्ड स्टेप में हम देख रहे हैं कि रिसीव अमाउंट 15,000 है और ड्यू अमाउंट 6,000 है, तो एक्सेस अमाउंट 9,000 आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो 21,000 और 9,000 एक्सेस अमाउंट हमको मिला है क्योंकि अनुपातिक आवंटन है, पूरा का पूरा राशि वापस किए पूरे शेयर्स पे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, अनुपातिक आवंटन है। इसलिए किसी भी जानकारी के अभाव में जब किसी प्रकार का कोई अनुपातिक आवंटन किया गया हो तो जो एक्सेस अमाउंट जो होती है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दी जाती है। और दूसरी बात, यहाँ पर चाहे ये प्रश्न में बोला गया हो या ना बोला गया हो, तो इस प्रकार हमने एनालिसिस टेबल इसका तैयार कर लिया है। अब इस एनालिसिस टेबल के आधार पर हम जनरल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर हम एक ही एंट्री में एप्लीकेशन रिसीव की अमाउंट प्लस अलॉटमेंट में एडजस्ट की अमाउंट और प्लस जो रिटर्न वाले जो अमाउंट है वो सारी अमाउंट को हम यहाँ पर एक साथ इसकी एंट्री कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर जनरल एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000 से होगी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हम उस अमाउंट को लिखेंगे जितना कि हमको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, यानी एक्सेस अमाउंट को हटाने के बाद। तो हमारे पास 50,000 शेयर्स थे और 3 रुपीज के हिसाब से यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा 1,50,000। अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट किया 21,000 और रिटर्न हमने किया 9,000। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 1,80,000 की अमाउंट डेबिट होगी। और यहाँ पर हम विस्तार से इसका एक नरेशन लिख देंगे। बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस मनी ऑन 7,000 शेयर टुवर्ड अलॉटमेंट एंड रिटर्न एप्लीकेशन मनी ऑफ 3,000 शेयर। इसके बाद हम देख रहे हैं कि अलॉटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर अलॉटमेंट की एंट्री हमको पास करनी है। तो अलॉटमेंट के पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे और ये एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट। और यहाँ हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल की जो अमाउंट है वो 50,000 शेयर्स पे 2 रुपीज क्योंकि अलॉटमेंट मनी दी हुई है तो ये 1,00,000 की हो जाएगी जो हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को भी हम यहाँ पर लिख देंगे 3 रुपीज जो है वो प्रीमियम है। तो प्रीमियम के अमाउंट यहाँ पर 50,000 शेयर इंटू 3 हो जाएगी 1,50,000 और टोटल 2,50,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के अमाउंट यहाँ पर ड्यू की हो जाएगी। थर्ड स्टेप में हम फर्स्ट कॉल ड्यू के अमाउंट को लिखेंगे की एंट्री करेंगे। तो ये एंट्री हमारी हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और नरेशन हम इसका यहाँ पर लिख देंगे बिंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू और 3 रुपीज क्योंकि फर्स्ट कॉल की अमाउंट है तो 50,000 इंटू 3 1,50,000 इसकी अमाउंट हो जाएगी। यहाँ पर जो जनरल एंट्री हम पास कर रहे हैं वो सिर्फ ड्यू की हम जनरल एंट्री यहाँ पास कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमको कैश बुक अलग से बनाने बोला है। तो जब भी हमको कैश बुक अलग से बनाने बोलेगा तो वहां पर हमको जनरल में कैश की कोई एंट्री पास नहीं करनी है, कैश बुक को हमको यहाँ पे अलग कर देना है। तो आइए अब इसका कैश बुक बनाते हैं। तो जब हम कैश बुक बनाएंगे तो इसके डेबिट साइड में हमने जितने भी रिसीव किए हैं वो सारी चीजें यहाँ पर सारे अमाउंट यहाँ पर लिखते जाएंगे और जो हमने रिटर्न किए हैं वापस किए हैं या खर्च किए हैं वो सारे पॉइंट हम डेबिट क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव किया 1,80,000 उसको हम डेबिट में लिखें। जनरली जब हम जनरल पोस्टिंग करते हैं तो हमारी एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 1,80,000 से, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे 1,80,000 से। सेकेंड अलॉटमेंट की हमने ड्यू की एंट्री कर दी लेकिन रिसीव की एंट्री हमने नहीं की तो रिसीव की एंट्री की लेजर पोस्टिंग हम यहाँ पर कर देंगे। एंट्री होगी यहाँ पर रिसीव के बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो इसलिए हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,29,000 लिखेंगे क्योंकि अलॉटमेंट में हमको ध्यान रखना है कि टोटल जो अमाउंट है 2,50,000 से की उसमें 21,000 एप्लीकेशन मनी पहले से एडजस्ट की जा चुकी है। तो यहाँ पर रिसीव की जो अमाउंट होगी वो 2,50,000 माइनस 21,000 यानी कि 2,29,000 ही यहाँ पर एंट्री की जाएगी। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल की जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ हमको ध्यान रखना है कि 1,50,000 ड्यू है लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि 100 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिसने फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं दी तो 100 शेयर्स पे 3 रुपीज उन्होंने नहीं दिया यानी कि 300 रुपीज जो है वो ड्यू है रिसीव नहीं हुए हैं। एक्चुअल 1,49,700 रुपीज ही रिसीव हुए हैं कॉल्स पे। तो यहाँ पर हमको बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में 1,49,700 से ही एंट्री करनी है। अब बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें एंट्री करेंगे बाय इक्विटी शेयर और 9,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे क्योंकि 9,000 ऐसे अमाउंट है जो हमने अलॉट नहीं किया था शेयर, उनको हमने वापस कर दिया। और उसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे तो एप्लीकेशन अकाउंट में जो हम बैलेंस ट्रांसफर करेंगे वो डेबिट साइड का जो टोटल है बैंक अकाउंट का 5,40,000
58,700 में से 9,000 माइनस करने के बाद 5,49,700 की अमाउंट हम यहाँ पर बैलेंस लाएंगे। अब इस प्रश्न में क्योंकि हमको बैलेंस शीट भी बनानी है, तो बैलेंस शीट के लिए हमने जो फॉर्मेट देखा था उसी के अकॉर्डिंग इस बैलेंस शीट को हम बनाएंगे। और सबसे पहले हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की एंट्री यहाँ पर करेंगे। और जैसे कि हमने इसके प्रारूप में देखा था कि सबसे पहले हम शेयर होल्डर्स फंड लिखते हैं, जिसके अंतर्गत हम शेयर कैपिटल लिखते हैं। और हमारी जो शेयर कैपिटल होती है वो ऑथराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल में बटी हुई होती है। तो सबसे पहले हम ऑथराइज शेयर कैपिटल की एंट्री करेंगे। तो प्रश्न में हम देख रहे हैं कि इनकी ऑथराइज शेयर कैपिटल यानी कि अधिकृत पूंजी जो है वो 1,00,000 शेयर्स में बटी हुई है और एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है। तो यहाँ हम इसकी एंट्री कर देंगे शेयर कैपिटल और ऑथराइज शेयर कैपिटल 1,00,000 शेयर ऑफ एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो 10,00,000 रुपीज से हम इसकी एंट्री कर देंगे। यहाँ पर अमाउंट हम 10,00,000 लिख के क्लोज करेंगे। उसके बाद हम इशूड कैपिटल देखते हैं। तो प्रश्न में हम बहुत सावधानी से देखेंगे कि कितने शेयर इशू किए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 50,000 शेयर इशू किए गए हैं और एक शेयर जो है वो 10 रुपीज का है। तो यहाँ पर 5,00,000 रुपीज जो है वो इशूड शेयर कैपिटल की अमाउंट हो गई। फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी है। तो हमने देखा कि पूरे के पूरे 50,000 शेयर जो है वो सब्सक्राइब है और 10 रुपीज उस पर कॉल किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर 50,000 × 10 यानी 5,00,000 जो है वो इसकी सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। उसके बाद हम कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल की एंट्री करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि 50,000 जो शेयर है वो कॉल किए गए हैं, 8 रुपीज ही अभी तक उस पर मांगा गया है। जैसे कि हमने यहाँ पर प्रश्न में देखा कि आवेदन पर 3 रुपए, आवंटन पर 5 रुपए प्रीमियम सहित और प्रथम मांग पर 3 रुपए मांगा गया है। तो इसमें से अगर हम प्रीमियम की राशि को अलग कर दें तो आवंटन की राशि वास्तव में 2 रुपए ही आती है और कुल मिलाकर 8 रुपए ही मांगे गए हैं। तो कॉल्ड अप कैपिटल जो है वो 8 रुपए है 50,000 शेयर्स पे, 50,000 शेयर्स पे। तो ये हो जाएगी 4,00,000। और एक चीज हमने और देखा था कि 100 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं दी थी यानी कि 300 रुपीज नहीं दिए थे। तो उस 300 की जो ड्यूज की अमाउंट है उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल हमारा 3,99,700 आ जाएगा। और उसके बाद हम इसमें रिजर्व एंड सरप्लस प्लस करते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई प्रीमियम मिला है शेयर इशू करने पर, तो हमने यहाँ पे देखा कि एक अलॉटमेंट के टाइम हमको 1,50,000 का प्रीमियम मिला है, तो उस प्रीमियम को सरप्लस मान के हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और ये जो टोटल कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल है वो 5,49,700 पे क्लोज होगी। और उसके बाद यहाँ पर हम एसेट्स के भी एसेट्स को भी हम यहाँ पर एक लिखते हैं। तो एक ही एसेट्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब हमने बैंक अकाउंट क्लोज किया तो वहां पर हमारे पास बैलेंस बचा है 5,49,700। तो इस कैश एट बैंक को हम यहाँ पर 5,49,700 पे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग इस जो फॉर्मेट हमने यूज किया है बैलेंस शीट का, उसमें जो इक्विटीज एंड लाइबिलिटी है वो 5,49,000 पे क्लोज हो रही है और एसेट्स में जो कैश एट बैंक है वो भी 5,49,700 पे क्लोज हो रहा है और बैलेंस शीट इस प्रकार से हमारी यहाँ पे टैली हो रही है। एक्स लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 2,00,000 रुपए है जो 10 रुपए वाले 20,000 अंशों में विभक्त है। कंपनी ने 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए। राशि निम्नानुसार मंगाई गई, आवेदन पर 3 रुपए प्रति अंश, आवंटन पर 2 रुपए प्रति अंश तथा याचना पर 5 रुपए प्रति अंश। 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। संचालकों ने 2,000 अंशों के आवेदन अस्वीकृत कर दिए और उन्हें लौटा दिए। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए। सब राशियां समय पर प्राप्त हो गई। क्योंकि इस प्रश्न में हमने 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए हैं लेकिन हमको आवेदन 12,000 अंशों के प्राप्त हुए हैं, तो 2,000 अंशों के लिए जो अतिरिक्त आवेदन प्राप्त हुए हैं उनका निपटारा हम किस प्रकार करेंगे। इसके लिए हम एनालिसिस टेबल यानी कि विश्लेषण सारणी का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले जब हम विश्लेषण सारणी बनाएंगे तो उसके पहले कॉलम में हम निर्गमित अंश लिखेंगे, दूसरे कॉलम में हम आवेदन जो प्राप्त जितने अंशों के लिए हुए हैं उनकी संख्या लिखेंगे और उसके बाद
उसके बाद तीसरे कॉलम को हम दो भागों में बांटेंगे, आवंटित अंश के लिए मांगे गए और आवंटित अंश में दिए गए। चौथे कॉलम में हम आवेदन की राशि को दो भागों में बांट देंगे, प्राप्त राशि जो है यानी रिसीव्ड और देय राशि जो है यानी ड्यू। अगले कॉलम में हम इनमें जो एक्सेस अमाउंट आएगी, अधिक की जो राशि आएगी उसको लिखेंगे, और नेक्स्ट कॉलम में हम समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निर्गमित शेयर जो थे वो 10,000 शेयर थे। नंबर ऑफ शेयर हमने देखे यहाँ पे कि 10,000 अंशों के लिए हमने आवेदन पत्र निर्गमित किए, लेकिन आवेदन प्राप्त हुए 12,000 अंशों के लिए, तो सेकेंड कॉलम में हम 12,000 अंश लिखेंगे। अब थर्ड कॉलम में आवंटित अंश में हमने देखा कि मांगे गए जो अंश थे, अप्लाइड जो थे, हमने आवेदन मंगाए थे 12,000 अंशों के लिए, तो मांगे गए आवंटित अंश, तो मांगे गए अंशों में हम यहाँ पर 12,000 अंशों को लिखेंगे, और वास्तव में जो जितने दिए गए, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो शेयर थे वो 10,000 थे, तो अलॉटेड में हम 10,000 लिखेंगे। उसके बाद आवेदन राशि हम किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, अप्लाइड को हम, क्योंकि प्रश्न में देख रहे हैं कि ₹3 आवेदन पे राशि है, तो अप्लाइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्लाइड को हम गुणा करेंगे 3 से, यानी कि ₹36,000 जो है वो प्राप्त राशि यानी रिसीव में लिखेंगे, और अलॉटेड को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ड्यू जो अमाउंट है, देय राशि जो है ₹30,000, वो हम देय राशि में लिखेंगे। इसके बाद आधिक की हम देखते हैं, प्राप्त राशि और देय राशि के बीच हम आधिक की निकालते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं 36,000 माइनस 30,000, तो 6,000 जो है वो एक्सेस अमाउंट हमको यहाँ पर मिलती है, इसको हमको एडजस्ट करना है। तो क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट है, और जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जिन अंशों पर हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया है उनकी पूरी की पूरी राशि को हमको वापस कर देनी चाहिए, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट में हम लिखेंगे कि आवेदन अस्वीकृत किए गए और राशि वापस की गई। अब इसके आधार पर जब हम जनरल प्रविष्टि करेंगे तो हमारी पहली जो प्रविष्टि होगी वो आवेदन पर अंशों की राशि प्राप्त करने की होगी, यानी कि यहाँ पर हमारी एंट्री होगी बैंक खाता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग अलॉट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर, क्योंकि 12,000 अंशों पर हमको आवेदन की राशि प्राप्त हुई है, तो 12,000 अंशों की राशि को हम यहाँ पर लिखेंगे। 12,000 को 3 से मल्टीप्लाई करके ₹36,000 की अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ये जो अमाउंट हमको प्राप्त हुई है अंशों पर आवेदन की, इसको हम अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित कर देंगे, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि अंशों पर जो आवेदन की राशि प्राप्त हुई थी उसे हम शेयर एप्लीकेशन उसे हम शेयर कैपिटल अकाउंट यानी अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्योंकि केवल 10,000 अंशों को ही हमको अलॉट करना है, तो 10,000 अंशों की ही राशि को हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और बाकी जो है वो हमको रिटर्न करना है। तो फिलहाल यहाँ पर हम एंट्री जो कर रहे हैं वो होगी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की, तो 10,000 × 3 = 30,000 से हम ये एंट्री पास करेंगे, और नेक्स्ट एंट्री में हम जो एक्सेस अमाउंट थी उसको वापस करेंगे, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने एनालिसिस टेबल को देखा है कि 6,000 की अमाउंट जो है वो हमको एक्सेस आ रही है और वो हमको रिटर्न करनी है, तो 6,000 की अमाउंट हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। इस एंट्री को हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और अलग अलग जिस तरह हमने यहाँ पे एंट्री की है उस तरह से भी कर सकते हैं। फोर्थ हमारी जो एंट्री होगी वो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होगी, और ये एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो यहाँ पर क्योंकि हमने 10,000 शेयर को इशू किया है, तो अब इसके आगे जितनी भी एंट्रीज होंगी सब कि जो अमाउंट होगी वो 10,000 से ही मल्टीप्लाई की जाएगी, तो यहाँ हमारी अमाउंट हो जाएगी क्योंकि अलॉटमेंट पे ₹2 देने हैं, तो 10,000 × 2 = 20,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगी, और जब इसके रिसीव की हम एंट्री करेंगे तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 जो है वो अलॉटमेंट अमाउंट यहाँ पर रिसीव होगी। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री होगी वो फर्स्ट कॉल की होगी, तो वो एंट्री हमारी हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 × ₹5 यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल के अमाउंट है, तो 50,000 ये हो जाएगा, और अब जब हम फर्स्ट कॉल के ड्यू हुए अमाउंट को रिसीव करेंगे तो लास्ट हमारी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000, तो टोटल जनरल का हमारा हो जाएगा 2,12,000। एक लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपए वाले 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए। राशि इस प्रकार मांगी गई, आवेदन पर 2 रुपए प्रति अंश, आवंटन पर 4 रुपए प्रति अंश तथा याचना पर 4 रुपए प्रति अंश। कुल 12,500 अंशों के आवेदन के लिए आवेदन प्राप्त हुए। अनुपातिक आवंटन किया गया तथा आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का समायोजन आवंटन में कर लिया गया। यह मानते हुए कि सभी राशियां यथासमय प्राप्त हो गई, कंपनी की पुस्तकों में जनरल की आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। एक एनालिसिस टेबल से हम देखते हैं कि सबसे पहले इस टेबल में हम इशूड शेयर लिखेंगे यानी निर्गमित अंश, उसके बाद अप्लाइड शेयर लिखेंगे यानी आवेदन आवेदित अंश, उसके बाद हम आवंटित अंशों के लिए 2 कॉलम बनाएंगे। शेयर अलॉटेड वाले कॉलम में हम देखेंगे कि हमने अप्लाइड शेयर हमारे पास आए हैं 12,500 और अलॉटेड जितना हम अलॉट कर सकते हैं वो है 10,000 शेयर। उसके बाद हम एप्लीकेशन मनी में देखेंगे कि जो हमको रिसीव हुई है, क्योंकि वो 12,500 अंशों पे हमको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है तो वो हो जाएगा 2 रुपए के हिसाब से 25,000। और ड्यू जो है मतलब वास्तव में हमको जो रिसीव होनी चाहिए जो हमने अलॉट किया है वो है 10,000 × 2, 20,000। अब यहाँ पर 25,000 और 20,000 के बीच जो डिफरेंस है, जो एक्सेस अमाउंट है, वो हो जाएगी 5,000 और इसका एडजस्टमेंट हमको करना है अलॉटमेंट में, क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो एक्सेस अमाउंट है उसको हमको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये जो अमाउंट थी वो हमको रिटर्न करनी थी, वहां पर हमने अलग एंट्री पास की थी, क्योंकि यहाँ पर हमको इस अमाउंट को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है तो यहाँ पर एंट्री अलग हो जाएगी। आइए देखते हैं किस तरह से जनरल एंट्री हम इसकी करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री जो होगी वो हमारी होगी एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव की, जो कि हमने 12,500 शेयर्स पे रिसीव किए हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन फॉर 12,500 शेयर, तो ये हो जाएगी 25,000 से। उसके बाद ये जो अमाउंट है इसको हम 2 हिस्से में बांटेंगे। यहाँ पर हमने एनालिसिस टेबल में देखा कि 20,000 की जो अमाउंट है वो तो शेयर कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन बाकी जो अमाउंट है 5,000 की एक्सेस अमाउंट उसको क्योंकि हमको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है तो यहाँ पर हम शेयर कैपिटल में केवल 20,000 ही ट्रांसफर करेंगे। 25,000 में से 5,000 को हम अलग कर देंगे और केवल 20,000 की अमाउंट को हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सेकेंड एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 से। अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर एक्चुअली इशूड। अब जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फॉर 10,000 शेयर। 10,000 शेयर हमने अलॉट किए थे, एक शेयर पे 4 रुपीज जो है वो अलॉटमेंट मनी है, तो ये 40,000 हो जाएगा। अब हमको एनालिसिस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एक्सेस अमाउंट थी उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट में वो अमाउंट आएगी जो कि एक्चुअली अलॉटमेंट पे आनी चाहिए, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में वो अमाउंट आएगी जो कि हमने एडजस्ट कर लिया है एक्सेस शेयर से। तो टोटल जो शेयर अलॉटमेंट के अमाउंट है 40,000, वो यहाँ पर हम क्रेडिट में लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट 40,000, लेकिन इसमें से 5,000 की जो एप्लीकेशन की एक्सेस अमाउंट थी वो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर ली शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में, तो बची हुई जो अमाउंट है 35,000 केवल वो अमाउंट हमको शेयर अलॉटमेंट पे रिसीव होगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एप्लीकेशन की जो एक्सेस अमाउंट थी उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। अब फर्स्ट कॉल या अगर हो तो सेकेंड कॉल की जो एंट्री होती है उसमें जो अमाउंट हम लिखेंगे उसमें हमको ध्यान रखना है कि केवल 10,000 शेयर से ही हमको मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट लिखनी है, क्योंकि टोटल 12,500 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन मिले थे जिनमें से 2,500 शेयर्स को एप्लीकेशन को हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। अब हमने अलॉट जो किया है वो केवल 10,000 शेयर ही अलॉट किए हैं, तो इसके आगे की जितनी भी एंट्रीज होंगी उसमें हम जब अमाउंटिंग करेंगे तो 10,000 से ही करेंगे।
तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 × 4, 40,000 से, और रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000 से।